हम कैसे बदलाव लाए हैं, इसका एक उदाहरण प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी है। 2008 में जब देश और पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में था, तब इस योजना को लागू किया गया था। तब यह दावा किया गया था कि अगले चार वर्षों के दौरान, यानी मैं 2008 की बात कर रहा हूं, चार वर्षों के अंदर लाखों रोजगार तैयार किए जाएंगे। लेकिन चार साल बाद भी तब की सरकार अपने आधे लक्ष्यों को तक भी निकट भी नहीं पहुंच पाई थी। 2014 के बाद हमने देश के एमएसएमईज, देश के युवाओं के हित में इस योजना को लागू करने के लिए हमने नए लक्ष्य तय किए, नए तौर तरीके अपनाए और नई ऊर्जा के साथ लग गए। बीच में कोरोना का संकट आया, और भी छोटे मोटे संकट आप देखते हैं दुनिया भर में क्या चल रहा है। इसके बावजूद भी बीते वर्षों में इस योजना के तहत ही 40 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है, और एमएसएमई के माध्यम इस दौरान उन उद्यमों को लगभग 14,000 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी दी गई है। इससे देश में लाखों नए उद्यम शुरू हुए हैं। देश के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार देने के लिए इस योजना में आज नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। अब इस योजना के दायरे में आने वाले प्रोडक्ट्स, इसकी कॉस्ट लिमिट का बढ़ा दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसे 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख, तो सर्विस सेक्टर में इसको 10 लाख रुपए से बढ़ाकर के 20 लाख कर दिया गया है, यानी एक प्रकार से डबल। यही नहीं, जो 100 से अधिक हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, आज आपने देखा होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ने इसमें काम जो किया है उनको भी आज हमने सम्मानित किया, क्योंकि जिन जिलों को राज्य भी गिनता नहीं था उन जिलों में आज वो ताकत आई है कि हिंदुस्तान को उनको सम्मानित करने का नौबत आ गई है। ये बदलाव कैसे आता है, इसका नमूना है।